Hello friends. वेलकम टू एच पी एग्जाम क्रैक तो फ्रेंड्स जैसा कि आपका जे वे आई टी का जो एग्जाम है वो आने वाला है uh, तो ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं इसमें हम पूरा जो जे वी आई टी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे uh, ताकि आपके लास्ट मोमेंट पे जो रिविजन होना है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे तो चलिए शुरू करते हैं तो कंप्यूटर के क्वेश्चन है कंप्यूटर सेक्शन इसमें पहले बताया गया है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द प्राइमरी गोल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज टू टर्न डेटा इन जो एक कंप्यूटर है उस प्रणाली का जो प्राथमिक लक्ष्य डाटा को डैश में बदलना होता है तो फ्रेंड्स ये होता है डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना तो ऑप्शन जो सी है ये आपका राइट right आंसर होगा नेक्स्ट uh, क्वेश्चन देखते हैं क्या है इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट जो मल्टी प्रोग्रामिंग है ये किस जनरेशन में स्टार्ट हुई थी तो फ्रेंड्स ये हुई थी थर्ड जनरेशन में तो ऑप्शन जो सी है आपका ये सही होगा नेक्स्ट uh, देखते हैं विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ़ द फॉलोइंग कम्प्यूटर्स तो निम्न कंप्यूटर में सबसे छोटा कौन सा है तो फ्रेंड्स सबसे छोटा जो कंप्यूटर होता है वो होता है नोटबुक तो ऑप्शन जो बी है ये आपका राइट आंसर होगा नेक्स्ट है जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज़ यूज फॉर ओके सामान्य तौर पर माउस का कौन सा बटन ओके okay के लिए प्रयुक्त होता है तो फ्रेंड्स ओके okay के लिए हम प्रयोग करते हैं जो आपका लेफ्ट बटन होता है तो ऑप्शन ए आपका सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड प्रोग्राम्स कौन सा जो उपकरण है डाटा तथा प्रोग्राम के मध्य भेद पहचान सकता है तो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का हिस्सा है तो जो सिस्टम यूनिट का हिस्सा है वो है आपका ऑप्शन डी सी पी यू सेवेंथ क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर इज एक विद्युत पथ जो कंप्यूटर के एक हिस्से को अन्य हिस्से से जोड़ता है तो वो क्या कहलाता है तो फ्रेंड्स उसे कहते हैं हम बस तो ऑप्शन डी आपका सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस इन इज अप्रोप्रिएट फॉर कमर्शियल पर्पज़ वाणिज्यिक हेतु के लिए निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा उपयुक्त है तो फ्रेंड्स ये होती है ऑप्शन जो बी है आपका कोबोल नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड कंप्यूटर मेमोरी का जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी होती है तो ये होती है आपकी बिट तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा देखिए जो एट बिट है वो इक्वल टू होता है वन बाइट के एट बिट इज इक्वल टू वन बाइट और वन जीरो टू फोर बाइट इज इक्वल टू वन किलो बाइट और वन जीरो टू फोर किलो बाइट इज इक्वल टू वन एम बी एंड वन जीरो टू फोर एम बी इज इक्वल टू वन जी बी तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम रिटर्न इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू कंपाइलर एक उच्च स्तर की भाषा में लिखे गए एक प्रोग्राम का डैश अनुवाद करता है तो फ्रेंड्स ये करता है मशीन लैंग्वेज ऑप्शन एक जो है मशीनी भाषा में नेक्स्ट uh, देखते हैं इन एम एस डॉस द कमांड दैट इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन इज एम एस डॉस में स्क्रीन को क्लियर करने के लिए प्रयुक्त कमांड है uh, तो उस कमांड का नाम क्या है वो है सी आई एस ऑप्शन ए आपका सही होगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वेन मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड एट वन प्लेस इट इज़ कॉल्ड जब एक स्थान पर अधिक कंप्यूटर जुड़े हुए हों तो वो क्या कहलाता है तो फ्रेंड्स वो कहलाता है आपका लैन एल एन ऑप्शन ए आपका सही होगा नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क इज़ एक विशिष्ट नेटवर्क में अत्यधिक महत्वपूर्ण अथवा शक्तिशाली कंप्यूटर है तो वो होता है ऑप्शन सी जो है आपका नेटवर्क सर्वर फोर्टींथ uh, क्वेश्चन देखते हैं एन अल्टरनेट नेम फॉर द कम्प्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टॉपोलॉजी इज संपूर्ण रूप से अनियोजित नेटवर्क टॉपोलॉजी के लिए अन्य नाम है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए मैश मैश टोपोलॉजी नेक्स्ट है अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ट ओपन अन अदर डॉक्यूमेंट इज किसी वेब पेज में एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर अन्य डॉक्यूमेंट खुलता है तो वो क्या कहलाता है इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी हाइपर लिंक नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू कट और कॉपी इंफॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस इन द जब आप किसी जानकारी को कट या कॉपी करते हैं तो वो स्थान प्राप्त करती है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी क्लिप बोर्ड नेक्स्ट विश टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल निर्मित होती है तो फ्रेंड्स ये होती है आपकी ऑप्शन डी जो है डॉक्यूमेंट फाइल नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज सेट ऑफ बीट्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डाटा ठीक है कि, कि निम्न में से कौन सा उपकरण डाटा की इकाई को प्रस्तुत करने के लिए बीट्स uh, के सेट का उपयोग करता है तो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी एबेकस नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपर्ट सिस्टम इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट सिस्टम किस पीढ़ी के कंप्यूटर की लक्षणिकता है तो ये है ऑप्शन डी जो है आपका पंचम पीढ़ी यानी फिफ्थ जनरेशन नेक्स्ट है द फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डेटा टू फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर इज़ रेगुलेटेड बाय माइक्रो प्रोसेसर से डाटा के आने जाने का प्रवाह तथा समयन डैश के द्वारा नियमन होता है तो फ्रेंड्स ये होता है ऑप्शन ए जो है आपका कंट्रोल पिनों के द्वारा नेक्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस निमिन में से एक कौन सा डिवाइस का उदाहरण है इनपुट डिवाइस का तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी स्कैनर ये आपका इनपुट डिवाइस है बाकी जो मॉनिटर हो गया प्रिंटर हो गया स्पीकर हो गया ये एक तरह के आउटपुट डिवाइस है नेक्स्ट uh, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोड्यूस टू बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन निम्न में से कौन सा उपकरण उच्च कोटी की ग्राफिक्स प्रतिलिपि उत्पन्न करता है तो फ्रेंड्स ये करता है आपका जो ऑप्शन सी है प्लॉटर नेक्स्ट uh, है विच पोर्ट कैन ऑल्सो यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स टू ट्रांसमिट फाइल्स फाइल प्रेषण के लिए दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए इस पोर्ट का भी इस्तेमाल हो सकता है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी फायर वायर पोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस में मुख्य फोल्डर को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं ऑप्शन सी जो है रूट डायरेक्टरी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एसेस टाइम तो सबसे शॉर्टेस्ट एसेस टाइम किसका है तो ये होता है जो आपका कैच मेमरी है तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बाइनरी नंबर तो देखिए बाइनरी नंबर इनमें से कौन सा है तो ऑप्शन बी जो है आपका ये है बाइनरी नंबर नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज टू स्टोर तो क्या संग्रहित करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन प्रयुक्त होता है तो ये प्रयुक्त होता है आपका वास्तविक पूर्णांक यानी रियल इंटीजर्स नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इनटू टू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर तो सामान्यतः जो सॉफ्टवेयर को किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में वर्गीकृत किया गया है तो फ्रेंड्स ये किया गया है आपका इन तीनों में यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो ऑप्शन डी जो है ये सही होगा यह सभी नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज तो इनमें से कौन सी जो लो लेवल लैंग्वेज है उसका आपको बताना है इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी मशीनी भाषा और असेंबली लैंग्वेज ये दोनों क्या है ये एक लो लेवल लैंग्वेजेस है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एक अनुवादक को श्रेष्ठ तौर पर इसके रूप में दर्शाया जा सकता है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी अ सिस्टम सॉफ्टवेयर थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोपाइट्री सॉफ्टवेयर इज ओन्ड एक्सक्लूसिवली बाय तो प्रोपाइट्री सॉफ्टवेयर का अन्य स्वामित्व तो होता है तो फ्रेंड्स ये होता है ऑप्शन ए जो है आपका अ सिंगल कंपनी एक कंपनी द्वारा। है, with its operating system? एक को को उसकी परिचालन प्रणाली के साथ शुरू करने की प्रक्रिया क्या नाम दिया गया है तो फ्रेंड्स इसका नाम दिया गया है ऑप्शन बी जो है आपका बोटिंग नेक्स्ट है द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजमेंट इज कॉल्ड तो इसे क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं आपका ट्रैफिक कंट्रोलर ऑप्शन ए आपका सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से कौन सा वास्तविक समय परिचालन प्रणाली का प्रकार नहीं है तो ऑप्शन सी है जो आपका जटिल वास्तविक समय परिचालन प्रणाली यानी कॉम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये इसका सही उत्तर होगा थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कमांड्स इन एम एस डॉस नीड्स एडिशनल फाइल्स फॉर देयर एग्जीक्यूशन तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी एक्सटर्नल कमांड्स थर्टी सिक्स है इन एम एस वर्ड चेंजिंग द अपियरेंस ऑफ आ डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड एम एस जो डॉस में एक डॉक्यूमेंट के प्रदर्शन को बदलना क्या कहलाता है तो वो कहलाता है ऑप्शन सी जो है आपका फॉर्मेटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड इज़ यूज इन एम एस टू कैलकुलेट द टोटल करेक्टर्स इन अ सेल तो एम एस में एक सेल में कुल अक्षरों की गणना के लिए कौन सा कमांड प्रयुक्त होता है तो ये होता है आपका ऑप्शन ए एल ई एन नेक्स्ट है चार्ट्स इन एम एक्स एक्सल आर कंस्ट्रक्टेड विद एम एक्स एक्सएल में चार्ट्स निर्मित होते हैं तो फ्रेंड्स ये होते हैं आपका जो डाटा पॉइंट के साथ और डाटा श्रेणी के साथ यानी ए और बी जो है ये सही होगा तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा ए एंड बी दोनों नेक्स्ट है विच पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज़ टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्लाइड एक स्लाइड के जो विभिन्न ऑब्जेक्टों को मोशन प्रभाव देने के लिए पावर पॉइंट के कौन से फीचर का आप उपयोग में करेंगे उपयोग में लाएंगे आप तो इसका जो राइट right आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी एनिमेशन स्कीम नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस यूज़र निम्न में से कौन सा डाटाबेस जो यूज़र का एक प्रकार है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी ऑप्शन डी जो है आपका ये सभी क्योंकि जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूज़र तो ये क्या है ये टाइप ऑफ डेटाबेस यूजर ही है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटा मॉडल तो निम्न में से कौन सा डाटा मॉडल का एक प्रकार नहीं है तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट मॉडल नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एसेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एसएक्स किसका एक उदाहरण है तो फ्रेंड्स ये है आपका जो इसका राइट आंसर होगा इन में से कोई नहीं नन ऑफ दीज ऑप्शन डी नेक्स्ट है इन एम एक्स एस एक्स टेक्स्ट डाटा टाइप में कंटेन मैक्सिमम करेक्टर ऑफ एमएस एक्सेस में टेक्स्ट डाटा टाइप में महत्तम अक्षर हो सकते हैं तो कितने हो सकते हैं वो है आपका ऑप्शन ए जो है टू फिफ्टी फाइव करैक्टर नेक्स्ट देखते हैं असेंट्रल कंप्यूटर सराउंडेड बाय वन और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर इस कॉल्ड तो इसे क्या कहा जाता है ऑप्शन सी जो है आपका स्टार नेटवर्क नेक्स्ट है अ मशीन दैट कनेक्ट्स टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम एंड ट्रांसफर मैसेजेस बिटवीन देम इज कॉल्ड तो उसे क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है ऑप्शन सी जो है आपका मेल गेटवे नेक्स्ट है इन ओ एस आई मॉडल विच ऑफ़ द फॉलोइंग लेयर्स डिसाइड द पाथ ऑफ डेटा तो देखिए ओ एस आई जो आपके मॉडल है सेवन लेयर मॉडल है तो वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है किस लेयर में कौन सा आपका उसका एप्लीकेशन रहती है क्या क्या उस लेयर में होता है तो ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है नेटवर्क किस में आता है और एप्लीकेशन कहाँ पर रहती है इस तरह के जो भी है वो आपको पूरा देख लेना है अच्छे से ओ एस आई मॉडल तो हर क्वेश्चन पेपर में ओ एस आई मॉडल से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं तो चलिए ओ एस आई मॉडल में इस जो पूछा गया है आपसे कि निम्न में से कौन सा स्तर डाटा पथ तय करता है तो जो डाटा पाथ है वो तय होती है जो ऑप्शन सी है आपका नेटवर्क लेयर में नेक्स्ट है अब वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ एक वेबसाइट किसका संग्रहण है तो ये है आपका ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ई मेल एड्रेस तो इनमें से कौन सा ई मेल एड्रेस का पार्ट नहीं है हिस्सा नहीं है तो इसका जो राइट right आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्रोटोकॉल नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू राइट वेब पेज तो वेब पेज बनाने के लिए किसका उपयोग होता है तो फ्रेंड्स ये होता है एस टी एम एल का तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी रीचेज इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर नॉन एज तो उन्हें क्या कहा जाता है तो उन्हें कहा जाता है ऑप्शन जो ए है आपका सिक्योरिटी पैचेस नेक्स्ट है अ वायरस दैट कैन डिलीट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड तो उसे कहते हैं हम रेट्रो वायरस नेक्स्ट है इनकेप्सुलेशन इज ऑल्सो नॉन एज तो कैप्सुलेशन इनमें से भी जाना जाता है तो इसका जो राइट right आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन हाइडिंग नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज़ द मोस्ट इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम तो सबसे इंप्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो होगा मोहनजदाड़ों में तो ऑप्शन ए जो है ये सही होगा तो फ्रेंड्स ये आपके जो जी के है ये शुरू हो गया है तो देखते हैं जी के में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं नेक्स्ट है अशोक के शासन में प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उसके शिलालेखों में अंकित है तो वो कौन सी थी तो फ्रेंड्स वो थी आपकी कलिंगा वार आ, नेक्स्ट है पलीनी थे एक जो पलीनी वो कौन थे आ, वो थे रोमन लेखक तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट मध्य भारत में कुषाण शासन का तुरंत पश्चात अनुगमन किसके द्वारा किया गया तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए मुरुंदो द्वारा नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सबसे पुराना निवास सह शैक्षणिक संस्थान था तो ये था नालंदा तो ऑप्शन ए आपका सही होगा नेक्स्ट है हु फाउंडेड द पाल एंपायर जो पाल साम्राज्य का स्था, जो स्थापक कौन था तो फ्रेंड्स पाल राज्य की जो स्थापना की थी वो की थी गोपाल ने नेक्स्ट है हु वाज द कोर्ट पॉइंट ऑफ किंग महीपाला ऑफ कनौज कनौज के जो राजा महीपाल के राज्य कवि कौन थे तो वो थे ऑप्शन डी जो है आपका राजशेखर नेक्स्ट है उमर ए चहलगामी नामक परिषद की रचना किसने की थी तो उमर ए चहल गानी की जो परिषद थी इसकी रचना की गई थी इलतुतमिश द्वारा तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा नेक्स्ट है अलबरूनी भारत कब आया था तो अल बुरुनी जब जो भारत आया था ये आया था ऑप्शन सी यानी इलेवंथ सेंचुरी में नेक्स्ट है किसकी आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हुआ तो चोल साम्राज्य का जो अंतिम रूप से पतन हुआ था ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट लीड टू द मराठा एम्पायर बिकमिंग अ कन्फेडरेसी ऑफ फ्यूडल चीफ्स किसके कारण जो मराठा साम्राज्य एक सामंती मुखियाओं का राज्य संघ संभव बना तो फ्रेंड्स ये बना था पेशवाओं का उदय के कारण तो ऑप्शन ए जो है सही होगा नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट सेकुलर रूलर ऑफ द अफगान क्लेन तो अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासन शासक कौन था तो ये था आपका शेर शाह नेक्स्ट है द्वैध शासन प्रणाली का उन्मूलन किसने उन्मूलन किया गया था तो द्वैध शासन प्रणाली का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था तो ये किया गया था ऑप्शन बी जो है वॉरन हेस्टिंग्स द्वारा नेक्स्ट है किस राष्ट्रवादी सिपाही ने जो आपका रेंड है का उसका कत्ल किया था तो यह किया गया था दामोदर चापेकर यानी चापेकर बंधु से के नाम से भी जाने जाते हैं दामोदर चापेकर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज नॉट इन्वॉल्व विद द इमरजेंस ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स तो इनमें से कौन से नेता जो श्रमिक संघ आंदोलनों के उद्भव में शामिल नहीं था तो वो थे ऑप्शन सी एम ए जिन्ना नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रंशन उद्भवित होता है जो फॉल्टिंग ऑन इट्स ऑरिजन टू तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए टेंशनल फोर्सेस तनन बल की ओर से नेक्स्ट है द ऑरिजन ऑफ अर्थ डेट्स बैक टू पृथ्वी का जो उद्भव माना गया है आज से कितने साल पूर्व माना गया है तो वो माना गया है ऑप्शन बी जो है आपका 4.6 पॉइंट सिक्स बिलियंस ईयर्स नेक्स्ट है मॉनसून विंड्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मॉनसूनी हवाएं किस वर्ग में आती है तो फ्रेंड्स ये आती है आपकी आवर्ती पवन यानी पीरियडिक विंड्स में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन निम्न में से कौन सा एक वर्षण का एक प्रकार नहीं है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डी यू नेक्स्ट है द पोजिशन ऑफ द सन द मून एंड द अर्थ इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड तो उसे क्या कहलाते हैं तो वो कहलाता है आपका ऑप्शन ए युति अयुति बिंदु नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विधि नहीं है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इन में से कोई नहीं नेक्स्ट है निम्न में से किस देश में अन्य देशों के मुकाबले अधिक मछली का उपयोग किया जाता है तो ये किया जाता है आपका जापान में तो ऑप्शन टी करेक्ट होगा नेक्स्ट है संपूर्ण डैश में मिश्र खेती पाई जाती है तो जो मिश्र खेती है वो पाई जाती है आपकी ऑप्शन बी जो है आपका यूरोप में नेक्स्ट चेवियोट पहाड़ियाँ अवस्थित है तो ये कहाँ पर स्थित है तो ये स्थित है आपके स्कॉटलैंड में नेक्स्ट है शैन मशिफ पठार अवस्थित है तो ये स्थित है म्यांमार में तो ऑप्शन बी सही होगा नेक्स्ट है मला मलाई तथा पालकोंडा पहाड़ियाँ अवस्थित है तो ये पहाड़ियाँ स्थित है हमारे जो पूर्वी घाट है ईस्टर्न घाट्स नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉर्म आ रिफ्ट वैली निम्न में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी का निर्माण नहीं करती है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए गोदावरी नेक्स्ट है विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु इज़ ड्यू टू तो तमिलनाडु में जो शीतकालीन वर्षा का कारण है वो है आपका जो आपकी रिट्रीटिंग रेट मानसून होते हैं ठीक है पश्चिगामी मॉनसून नेक्स्ट है रेड सॉइल इज़ पुअर इन तो लाल मृदा में किसकी मात्रा कम होती है ये होती है आपकी फॉस्फोरस नाइट्रोजन और लाइम इन तीनों की तो यानी ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा नेक्स्ट है वन आच्छदन वाला सबसे बड़ा भू क्षेत्र प्रतिशत में बताना है भारत का राज्य कौन सा है तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश और वैसे ही अगर आपसे ओवरऑल एरिया में पूछा जाए तो है मध्य प्रदेश तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी शक्ति परियोजना भागीरथी नदी पर निर्माणाधीन है तो यह है जो आपका टिहरी बांध है ऑप्शन बी और ये कहाँ पर स्थित है यह है उत्तराखंड में नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया तो कौन सी है तो यह है आपकी मथुरा ऑप्शन ए करेक्ट होगा नेक्स्ट है कर्नाटक पठार के जंगल किसके लिए प्रसिद्ध है तो ये प्रसिद्ध है आपके चंदन के लिए नेक्स्ट है नकदी फसलों में सम्मिलित नहीं है तो इनमें से कौन सी नकदी फसलों में सम्मिलित नहीं है तो जो गेहूं है ये नकदी फसल में नहीं आती है नेक्स्ट किस राज्य में लिंगानुपात लगभग संतुलित है तो लगभग संतुलित है आपका तमिलनाडु में तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण अमरीकी संविधान से समानता रखता है तो अमरीकी संविधान से जो समानता रखता है वो है आपका एक लिखित संविधान जो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो अमेरिका का भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया का भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है नेक्स्ट हु अडोप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द ट्वेंटी सिक्स नवम्बर नाइनटीन फोर्टी नाइन तो ये किया गया था भारत के लोगों द्वारा यानी पीपल ऑफ इंडिया तो प्रियम्बल में ये बात लिखी गई है वी द पीपल ऑफ इंडिया ठीक है इनैक्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन तो इस तरह की एक जो प्रियम्बल लिखी गई है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन अलॉज द सेंटर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्य निर्माण को अनुमत uh, करता है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद थी तीन जो है हमारे पास आर्टिकल थ्री ऑप्शन ए सही होगा नेक्स्ट है निम्न में से भारत के कौन से राष्ट्रपति कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलनों का महासचिव भी थे तो इस आंदोलन गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव कौन रहे हैं तो ये रहे हैं हमारे ज्ञानी जैल सिंह नेक्स्ट निम्न में से कौन सी एक संसदीय समिति नहीं है तो देखिए जो आपका ऑप्शन डी है अनुदान मांग समिति ये संसदीय समिति नहीं है नेक्स्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है तो ये हटाया जा सकता है आपका संसद के प्रस्ताव द्वारा प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा नेक्स्ट भारत में राज्य सरकार के कार्यकलापों में नियमों के अनुपालन के लिए कौन उत्तरदायी है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राज्य सरकार के मुख्य सचिव नेक्स्ट निम्न में किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है तो सबसे कम संख्या है हमारी सिक्किम में ऑप्शन बी करेक्ट होगा नेक्स्ट निम्न में से कौन सा पूर्ण राज्य बनने में बनने से पूर्व भारत का एक सम्बन्ध राज्य था तो ये था हमारा सिक्किम नेक्स्ट राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसे स्वतः स्थगित करता है तो ये करता है जो स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा इसे नेक्स्ट भारत का सीमांत जल क्षेत्र कितने नोटिकल मील तक विस्तृत है तो ये कहाँ तक फैला है ये है हमारा ऑप्शन बी ट्वेल्व नोटिकल माइल्स नेक्स्ट यूपीएससी अपने कार्यों की वार्षिक विवरणी किसके समक्ष प्रस्तुत करता है तो ये करता है राष्ट्रपति के समक्ष नेक्स्ट कामगारों के एक जॉब से अन्य जॉब में प्रस्थान के समय उत्पन्न बेरोज़गारी कहलाती है तो फ्रेंड्स ये कहलाती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट घर्षणी बेरोजगारी नेक्स्ट है द आउटलाइंस ऑफ सेकेंड फाइव ईयर प्लान वाज मेड बाय तो ये बनाई गई थी पी सी महान लोबिस तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं फादर ऑफ इसे पी सी लोबिस मॉडल भी कहा जाता है सेकेंड फाइव ईयर प्लान को आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि सेकेंड फाइव ईयर प्लान इज़ नॉन एज तो पी सी वी महान बॉलिस मॉडल ये इसका सही उत्तर होगा नेक्स्ट हु सेट अप द बेस रेट फॉर बैंक्स तो बैंकों के लिए आधार दर कौन तय करता है तो वो करता है आपका ऑप्शन डी इंडिविजुअल बैंक बोर्ड प्रत्येक बैंक का बोर्ड नेक्स्ट द वेज पॉलिसी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन तो भारत में वेतन नीति आधारित है तो ये आधारित है ऑप्शन सी जो है निर्वाह लागत यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग पे नेक्स्ट राष्ट्रीय औसत की तुलना तो में निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर कम है तो ये है आंध्र प्रदेश नेक्स्ट भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में कोयला भंडार होने का आकलन किया गया है तो ये किया गया है ऑप्शन बी झारखंड में नेक्स्ट निम्न निखिल आ, सभी राज्यों में कृषि भूमि का प्रतिशत अति उच्च है सिवाय तो सिवाय सिक्किम के नेक्स्ट निम्न में से कौन सा भारत के मुद्रा बाजार का एक हिस्सा नहीं है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इंडियन गोल्ड काउंसिल नेक्स्ट है भारत में नाबार्ड पुणे वित्त किसे प्रदान नहीं करती है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज ऑप्शन डी निर्यात आयात बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को भारत के में जो पुणे नाबार्ड है वो पुणे वित्त नहीं प्रदान करती तो निर्यात आयात बैंक ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट है केंद्रीय सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है तो सबसे बड़ी मद जो है वो है परिदान यानी सब्सिडीज तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा नेक्स्ट विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र अधिनियम लागू हुआ तो ये लागू हुआ था ऑप्शन सी 2006 में नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं तो ये होते हैं आपके प्रकृति में सबसे कमजोर बल द विकेस्ट फोर्स इन नेचर नेक्स्ट है तापीय विकिरण होते हैं तो जो तापीय विकिरण है ये होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नेक्स्ट है एडीसी उपकरण जो अति उच्च वोल्टेज पैदा करता है तो उसे कहते हैं ऑप्शन डी इंडक्शन कॉयल नेक्स्ट है विच इज मोस्ट इलास्टिक निम्न में से सर्वाधिक जो प्रत्यास्थ है वो कौन सा है तो वो है आपका स्टील यानी इस्पात नेक्स्ट है अ पीएच ऑफ सेवन सिग्निफाइज पीएच में सेवन पीएच में सेवन का अंकन क्या दर्शाता है तो ये दर्शाता है न्यूट्रल सॉल्यूशन और साथ से यदि किसी चीज़ का पीएच कम है तो वो दर्शाता है आपका एसिडिक और यदि सात से ज़्यादा है तो वो होगा बेस ठीक है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंडस इज़ इनसॉल इन वाटर तो ऑप्शन बी जो है आपका सेलुलोज ये करेक्ट होगा नेक्स्ट है पेंसिलिन के शोधक थे तो पेंसिलिन के जो शोधक थे वो थे ऑप्शन सी एलेक्जेंडर फ्लैमिंग मानव शरीर में चर्बी संग्रहित होती है तो कहाँ पर होती है ये होती है वसा उत्तक में ऑप्शन डी नेक्स्ट द डिजीज थ्रोम्बॉइसिस इज एसोसिएटेड विद तो ये एसोसिएट है आपकी जो ऑप्शन सी है ब्लड से नेक्स्ट सिट्रस फ्रूट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ तो सिट्रस जो फल होते हैं वो किसके रिच सोर्स होते हैं वो होते हैं विटामिन सी के नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन 2018 आयोजित हुआ तो देखिए उस समय ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे तो उस समय ये हुआ था महाराष्ट्र में तो ऑप्शन ए सही होगा नेक्स्ट है हाल ही में निम्न में से कौन सी बैंक भारत की सर्वप्रथम पीएसयू बैंक बनी जो अपने ग्राहकों के लिए वृहत संपदा व्यवसाय सेवाएं परिचालन में लाई तो ये बनी है आपकी एसबीआई ऑप्शन ए नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध शाही लीची को जियोग्राफिकल इंडक्श जो इंडिकेशन है वो टैग प्राप्त हुआ है तो शाही लीची जो है ये प्राप्त हुआ है आपका बिहार को नेक्स्ट निम्न में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम धुआं मुक्त राज्य बनने जा रहा है तो फ्रेंड्स ये बनने जा रहा है आपका ऑप्शन बी जो है केरला नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य में कटी बिहू त्यौहार 2018 मनाया गया तो जो बिहू त्यौहार है ये मनाया जाता है असम में तो असम आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नेक्स्ट है कथा साहित्यों के लिए किसे मान जो मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो 2018 का किसे मिला था ये मिला था आपका ऑप्शन ए अन्ना बर्न्स नेक्स्ट हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा मानव रहित परिवहन ड्रोन एफ एच नाइन्टी एट का सफल परीक्षण किया है तो ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है आपका चीन ने नेक्स्ट हाल ही में किस भारतीय व्यक्तित्व ने मेक्सिको नागरिक सम्मान प्राप्त किया है देखिए पाँच छह क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं करंट अफेयर के तो इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी रखनी है तो 2018 में ये क्वेश्चन पेपर आया था तो उस समय इस तरह का कुछ आपका ये था कि पांच छह क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से भी पूछे गए हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी रघुपति सिंघानिया नेक्स्ट हाल ही में किस भारतीय व्यक्तित्व को नेपाल पर्यटन के लिए सद्भाव राजदूत नियुक्त किया गया है तो ये किया गया था आपका जयप्रदा को नेक्स्ट श्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2018 हज़ार किससे घोषित किया गया है तो ये किया गया था लुका मॉड्रिक नेक्स्ट अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर की दाएं ओर का चौदवा अक्षर निम्न में से कौन सा होगा तो फ्रेंड्स ये होगा आपका ऑप्शन डी जो है आपका नेक्स्ट एक कोडिंग सिस्टम है एप्पल को जेड के के ओ वी दर्शाया गया है इसी सिस्टम में सी ओ डब्ल्यू काउ को कैसे दर्शाया जाएगा तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए एक्सएलडी नेक्स्ट है इफ़ बैग इज इक्वल टू सेवेंटी वन देन वाइस इज इक्वल टू तो इसको ये भी रीजनिंग का ही है और इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए सिक्सटी नाइन नेक्स्ट शब्द कोश में सुव्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा शब्द चौथा आएगा तो वो आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी प्रोपाइन नेक्स्ट क्योंकि माँ पी की बहन है तथा माँ की पुत्री है एस पी की पुत्री है तथा टी की बहन है एम का टी से क्या संबंध है तो उसका संबंध है दादी या दादा नेक्स्ट एक दिन में कितनी बार एक घड़ी की सुयाँ एक साथ होती है तो ये होती है आपकी बाईस बार तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा नेक्स्ट है एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु की टू आ, टू अपॉन फाइव है तो आठ वर्ष बाद उसकी जो आयु आपकी माता की आयु के वन अपॉन टू हो जाएगी तो वर्तमान में उसकी माता की आयु कितनी है तो फ्रेंड्स ये है आपकी ऑप्शन सी चालीस वर्ष नेक्स्ट है अंकों में पुनर्वृत्ति के बिना एक दो तथा तीन अंकों से बनने वाली तीन अंकों की सभी ए, संख्याओं का योग होगा तो ये होगा आपका ऑप्शन डी एक सौ 1332 थ्री थ्री टू तेरह सौ बत्तीस नेक्स्ट नालागढ़ का पुराना नाम था तो नालागढ़ का जो पुराना नाम था वो था हिंडूर तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा नेक्स्ट मुगलों से युद्ध करने के लिए किस राजसी राज्य के राजा ने गुरु गोविंद सिंह को आमंत्रण दिया था तो ये दिया गया था आपका सिरमौर के राजा द्वारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश किस वर्ष केंद्रशासित प्रदेश बना तो फ्रेंड्स ये बना था आपका केंद्रशासित शासित 1956 में तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुंजुम दरा अवस्थित है तो कुंजुम दरा स्थित है आपका लाहौल स्पीति में तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट बसपा किसकी सहायक नदी है तो बसपा है आपकी ऑप्शन ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं क्योंकि जो बसपा नदी है ये आपकी सतलुज की सहायक नदी है तो वो इसमें दिया नहीं गया है तो ऑप्शन डी आएगा नन ऑफ दीज नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में काइस वन्यजीव जीव अभिरण आ... जो अवस्थित है तो फ्रेंड्स काइस जो जगह है और वन्य जीवाभिरण है ये कुल्लू में स्थित है तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा और काइस में ही हाल ही में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोला गया है तो कई बार ये भी पूछ ले आपको फैक्ट्स याद रखना है तो काइस में क्या है पॉलिटेक्निक कॉलेज चलिए और एक मॉनिस्ट्री भी है यहाँ पर ठीक है मोनिस्ट्री भी है बौद्ध धर्म से संबंधित तो वो भी आपको याद रखना है नेक्स्ट द स्टेट बर्ड ऑफ एच पी एस तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है तो ये है आपका ऑप्शन सी पश्चिमी ट्रैपोकॉन जो आपका ट्रैगोकॉन है वेस्टर्न ट्रैगोपोन नेक्स्ट थिरोड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है तो ये निर्मित है आपकी ऑप्शन ए चिनाब पर हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है तो फ्रेंड्स ये है ऑप्शन सी एन एच थ्री नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहादुरपुर जो किला है वो अवस्थित है तो बहादुरपुर किला है आपका बिलासपुर में ऑप्शन डी करेक्ट होगा नेक्स्ट हरी जो हरी राय टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच पी तो ये स्थित है आपका ऑप्शन डी चंबा में नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के की किस जनजाति द्वारा डंडारस नृत्य किया जाता है तो ये किया जाता है गद्दी लोगों द्वारा चंबा की जो गद्दी प्रजाति है उनके द्वारा नेक्स्ट किसके द्वारा रची गई प्रेम कविताओं से गोम्पा चित्रकला की शैली का उद्भव हुआ है तो ये हुआ है आपका ऑप्शन सी ए और बी तो जो जयदेव और केशवदास नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का कौन सा धार्मिक समुदाय लोसर त्यौहार मनाता है तो ये मनाता है आपका ऑप्शन डी जो है बुद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नाहौली मेला मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है आपका मंडी में ऑप्शन ए करेक्ट होगा नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था तो फ्रेंड्स जो लोकायुक्त अधिनियम है ये पारित किया गया था उन्नीस में और अगस्त फिर उन्नीस में ही फिर जो टी वी आर टाटाचारी है उन्हें पहला हिमाचल का लोकायुक्त नियुक्त किया गया था और प्रेजेंट में आपको याद रखना है कि जो पांटा जी है वो है हमारे प्रेजेंट में लोकायुक्त लोकेश्वर सिंह पांडा एल एस पांडा और ये कौन से नंबर के लोकायुक्त है हिमाचल के तो फ्रेंड्स ये है सिक्स के सिक्स नंबर के ठीक है और पहले थे टी वी एस टाटाचारी और प्रेजेंट में हैं एल एस पांडा चलिए नेक्स्ट देखते हैं जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है तो ये कितना है ये है ए, 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 एक व्यक्ति पर किलोमीटर तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश में आईआईटी आई कहाँ पर स्थित है तो फ्रेंड्स आईआईटी आई स्थित है हमारे डिस्ट्रिक्ट मंडी में तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा नेक्स्ट देखते हैं ये इंग्लिश का पार्ट है आपका आपको बताना है कि इनमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है तो इसका सबसे पहला वन फिफ्टी क्वेश्चन जो है इसका करेक्टली जो सबसे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है तो वो है आपका कमिश्नर ऑप्शन ए नेक्स्ट नेक्स्ट में जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो है आपका ओकेजन तो इस तरह से लिखा जाता है ओकेजन नेक्स्ट है वन तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी वन फिफ्टी नाइन का होगा आपका यूटिलाइज uh, तो यूटिलाइज लिखा जाता है यू टी आई एल आई जेड डी तो ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट होगा नेक्स्ट है आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ठीक है आउट ऑफ द फोर गिवन अल्टरनेटिव्स ए बी सी एंड डी टू फिल इन द ब्लैंक तो सेंड इन डैश इज वेटिंग तो इसमें आएगा ऑप्शन बी जो है whom ever send me send in whom ever is waiting next hai who should dash cooked the stew much longer it's still quite tough to iska jo right answer hoga wo hoga देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसको जो send in dash is waiting ठीक है तो इसमें मैंने आपको बताया था होम एवर तो देखिए नहीं आएगा इसमें तो सेंड इन एवर इज वेटिंग तो इसका आएगा ऑप्शन ए एवर नहीं सेंड इन इज वेटिंग तो नेक्स्ट देखते हैं यू शुड डैश द स्ट्यू मच लॉन्गर इट्स स्टिल क्वाइट ऑफ तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो बी है आपका हैव यू शुड हैव कुक द स्ट्यू मच लॉन्गर इट्स स्टिल क्वाइट ऑफ ऑप्शन बी करेक्ट होगा नेक्स्ट है हिज फैंसी डैश आर्ट ट्रेजर मे प्रूव टू एक्सपेंसिव तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन डी जो है फॉर हिज फैंसी फॉर आर्ट ट्रेजर मे प्रूव टू एक्सपेंसिव नेक्स्ट है एंटोनियम ऑफ द वर्ड बताना है आपको एमेच्योर तो इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा ऑप्शन बी प्रोफेशनल नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ द ईडियम टू मेक मील ऑफ तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टू कंज्यूम नेक्स्ट है ये हिंदी के आपके क्वेश्चन है असल का उपसर्ग शब्द बनता है तो असल में कौन सा उपसर्ग लगा है तो इसमें लगा है आपका असल से बनता है दरअसल देखिए उपसर्ग और प्रत्यय दो तरह के होते हैं तो आपसे पूछा गया है उपसर्ग तो उपसर्ग लगा है दरअसल में नेक्स्ट uh, है आपका इनमें से कौन से शब्द का अर्थ सर्वथा भिन्न है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी कबूतर नेक्स्ट है गंगा का प्रायवाची है तो गंगा का प्रायवाची होता है आपका त्रिपथ का तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा नेक्स्ट है जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति ना हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है तो उसे हम कहेंगे अनुरवरा, तो ऑप्शन डी नेक्स्ट है महाजमा ईश तो संधि आपको ये संधि करनी है महाजमा ईश क्या बनेगा तो ये बनता है महेश तो महेश की जो संधि होती है संधि विच्छेद जब करेंगे तो उसे लिखेंगे महाजमा ईश शुद्ध शब्द है तो देखिए वन क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का तो शोध शब्द है आपको बताना है इनमें से कौन सा है तो फ्रेंड्स वो है आपका उच्छ्वास ऑप्शन सी तो ये थे वन सेवेंटी क्वेश्चन हमने पूरे जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस किया इस वीडियो में तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग